नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती आजाद और आप देख रहे हैं खबर तहलका। कांग्रेस और गुटबाजी हरियाणा में इन दोनों का ही नाता चोली और दामन का रहा है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के गीत अलाप रही कांग्रेस भाजपा से चुनावी जंग लड़ने की बजाय अपनी ही लड़ाई में उलझी हुई है। संगठन में बदलाव तो हो गया लेकिन पार्टी अभी भी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। दरअसल विरोधी धड़ा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने को तैयार नहीं है। अब भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, पूर्व सीएलपी नेता किरण चौधरी और पूर्व मंत्री एवं प्रचार समिति के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव की राहें जुदा है। कुलदीप बिश्नोई ने भी हुड्डा से नजदीकियां बढ़ाई है। AICC मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला तो हुड्डा और शैलजा के साथ एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन बाकी नेता अब भी दूरी बनाए हैं। तंवर पर हाईकमान की भी एक नहीं चल रही। आचार संहिता लगने से ठीक पहले बदले गए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तंवर सीधे सीधे हुड्डा पर हमलावर है। वो सार्वजनिक मंच से भी पूर्व सीएम पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं चूकते, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी तंवर को मनाने की भरसक कोशिश कर चुकी है, बावजूद इसके तंवर की नाराजगी बरकरार है। शिरोमणि अकाली दल के इकलौते विधायक बलकौर सिंह को भाजपा में शामिल करवाए जाने को अकाली दल ने धोखा बताया है। आज अमृतसर में अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल ने की। इस बैठक में अकाली दल की कोर कमेटी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है। दरअसल गुरुवार को विधायक बलकौर सिंह ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इनेलो टूटकर जेजेपी बनी तो अजय चौटाला को समर्थन देने का फोटो आया था। बाद में बलकौर ने इससे साफ इनकार कर दिया था। अब बलकौर ने कहा पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन की है, इन्हें कालावाली से उतारा जा सकता है। हरियाणा में नामांकन का दौर आज से शुरू हो गया है, फिर भी माहौल ऐसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए। प्रदेश में चंद नेता ही ऐसे हैं जो जनता के बीच सक्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, इसलिए प्रदेश की राजनीति कई दिन से दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। हरियाणा की सियासत राजीव चौक और इंडिया गेट के बीच चल रही है। जो नेता चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टी के मुख्यालय पर ही डटे हुए हैं। उनमें डर है कि उनके पीछे से कोई उनकी टिकट ना कटवा दे। सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा मुख्यालय के बाहर ही है। कुछ नेता तो यहीं से दिन में समय निकालकर आधे घंटे में ही अकबर रोड, जनपथ और मीनाबाग आदि में भी हाजिरी लगा आते हैं। और अब बात एक हैरत में डालने वाली उस वाक्य की जो महज 5 सेकंड का है। जब हिसार में चलती ट्रेन से एक यात्री नीचे गिरने लगा तभी उसे रेलवे के कोरस कमांडो ने महज 5 सेकंड में ऊपर खींच लिया और ये उसकी जिंदगी बचा ली। ये वाक्य बुधवार का है जिसकी जानकारी आज सामने आई है। दरअसल रामपाल समर्थकों और आर्मी की भर्ती के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण यात्रियों को ट्रेनों में लटक कर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा। भीड़ के चलते ही यात्री ट्रेन के दरवाजों पर लटकते हुए यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान गोरखधाम एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होते ही एक यात्री का चलती गाड़ी में हाथ छूटने से वो गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में जा गिरा। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी फुर्ती से एक्शन लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर यात्री को प्लेटफॉर्म के गैप से खींचकर बाहर निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा ही व्यापारियों व किसानों की सच्ची हितैषी है। बराला आज इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आदित्य कॉटन मिल में हरियाणा कॉटन जीनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील मित्तल ने इस मौके पर कहा कि मार्केट फीस और HRDFC की दरों में कमी कॉटन व्यापारियों की एक अहम मांग थी, जो सुभाष बराला के अथक प्रयासों से पूरी हुई है। इस कार्यक्रम में जब बराला से राव इंद्रजीत द्वारा बैठक कर अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का रुख सबको पता है, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उनका कहना है कि टिकट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। 29 या 30 सितंबर को सूची जारी हो सकती है। पंचकुला में CBI की विशेष कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले की सुनवाई हुई। इस बार कोर्ट ने बचाव पक्ष को गवाह का बयान दर्ज करने की मंजूरी दे दी।
पिछली सुनवाई में जतिंदर की गवाही करवाने को लेकर बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 5 नवंबर को होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए खबर तहलका। हमारे चैनल को YouTube और Facebook पर लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।